एकोंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आठ सच जुगाद सचे है भी सचे नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 17th क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ कि आपके पास एक स्केयर शीट है, टिन मेटल की स्केयर शीट है और उसकी लेंथ सारी साइड्स 18 है, क्योंकि स्केयर है, स्केयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, 18 18 दी हुई है। वो कह रहे हैं इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, कटिंग वटिंग करनी है शीट की, कि हमारे पास एक बॉक्स बन जाए, ओपन बॉक्स बन जाए। तो आपने कॉर्नर से एक्स एक्स को काटना, जैसे कॉर्नर में इसकी साइड, कॉर्नर से आपने स्केयर की शेप में इक्वल स्केयर्स काट लेने कॉर्नर में से, जैसे ये मैं काट रहा हूँ आपके सामने, यानी ये पूरा देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 18 है। तो यहाँ से इतना हिस्सा एक्स काट दिया यहाँ से, अब यहाँ से भी एक्स हिस्सा कट जाएगा, तो अब मेरे पास ये हिस्सा 18 - 2x रह जाएगा। तो ये लंबाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 - 2x होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास पूरा 18 था, ये x गया, ये x गया, 2x चले गए, मतलब ये 18 - 2x रह गया। अब मैंने ये ऐसे काट के फेंक देने हैं, ऐसे यहाँ से काट के फेंका, तो मेरे पास ना ये जब सब कुछ कटिंग वटिंग कर देंगे तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी, ऐसी वाली, ये कुछ ऐसी शेप बन गई, ठीक है। तो मतलब ये देखो, अब आपको नज़र भी आ रहा है कि ये क्या बन, क्या गया, एक बॉक्स बन गया, बॉक्स बन चुका है ये, और ओपन बॉक्स है ये, देखिए ऐसे बन गया ओपन बॉक्स। तो अब मेरे पास इस ओपन बॉक्स की डायमेंशन क्या होगी, आप सभी जानते हैं ये चीज़ क्या होगी, 18 - 2x, ये चीज़ भी 18 - 2x होगी यहाँ से एक यहाँ तक की। तो क्योंकि स्केयर था, वो जो सी शीट थी ना, जो हमारे पास एक टेन वाली ये शीट थी, ये स्केयर शीट थी, मतलब इधर भी 18 था, ये साइड भी 18 थी। तो मेरे पास अब इस बॉक्स जो बना, ये लेंथ भी 18 - 2x, उसकी ब्रेड्थ भी 18 - 2x, पर उस बॉक्स की हाइट ये x होगी। देखो x हमने ये कितना काटा था, x काटा था ना यहाँ तक, तो ये हाइट इसकी x हो गई है। सो लेंथ 18 - 2x, ब्रेड्थ 18 - 2x, हाइट x। तो वॉल आपको क्वेश्चन में बोला कि ये इसको ये कितने, यानी इसकी कितनी डायमेंशन होगी, ये x कितने मीटर होगा कि वॉल्यूम इस बॉक्स का मैक्सिमम हो, ये x की डायमेंशन पूछी है। मीन्स जो आप कटिंग कर रहे हैं इसको कितने, यानी सेंटीमीटर से कट करें कि इस बॉक्स की डायमेंशन मैक्सिमम हो। तो मीन्स वॉल्यूम मैक्सिमम हो, क्वेश्चन में वॉल्यूम मैक्सिमम बोला, जो जो भी चीज़ आपको मैक्सिमम मिनिमम बोल रही है वो आपका एफएक्स होगा। आपको क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम मैक्सिमम हो, अगर सरफेस एरिया बोला होता तो एफएक्स आपका सरफेस एरिया हो जाना था, अब वॉल्यूम आपका एफएक्स होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टाइम ब्रेड्थ टाइम हाइट। लेंथ हो गई 18 - 2x, ब्रेड्थ 18 - 2x, हाइट x। सॉल्व करा ऐसे आया a माइनस बी का होल स्केयर, यहाँ पे 18 - 2x दो बार ही था, 18 - 2x का होल स्केयर आ गया (x), तो आपका सॉल्व करके एफ एक्स ये आया। आपको पता चल गया ना एफ एक्स क्यों, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम मैक्सिमम बोला था, जो भी चीज़ मैक्सिमम मिनिमम वो आपका एफ एक्स होगा, तब आपका एफ एक्स ये हो गया। अब आपने एफ डैश एक्स निकाला, ये एफ डैश एक्स निकल गया, सो एफ डैश एक्स कैसे आया, 4 × 3x के, दैट इज 12, ये 4x क्यूब का क्या होगा, 12x के, 4 × 3x के, फिर 72x के का क्या होगा, 144x, और 324x का क्या होगा, 324। ये एफ डैश एक्स आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इस एफ डैश एक्स में कॉमन क्या है, 12, ये अंदर ये रह गया। आपको पता है कि हमेशा पहले एफ डैश एक्स को जीरो रखते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो रखा, ये 12 इधर था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो आपके पास 0 = x²-12x+27। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के बाद x की वैल्यू 2 आई, 9 और 3, पर आंसर एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि x की क्या वैल्यू लें कि हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ये क्वेश्चन में बोला है कि जो आप कटिंग कर रहे हैं उस कटिंग की क्या डायमेंशन हो कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो आप एफ डैश एक्स तो आपके पास था, ये देखिए एफ डैश एक्स था। जब भी हमारे को वो पॉइंट चूज करना होता है ना कि कौन सा पॉइंट लें कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आए, तो हमारे को एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ता है। एफ डैश एक्स आपका ये था, आप ये था यहाँ पे था, सॉरी एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स यहाँ था, तो एफ डैश एक्स से आपने एफ डबल डैश एक्स निकाला, वो क्या है आपके पास, ये 24x, 144 और 324 कांस्टेंट था उसका, जीरो हो गया। अब हम इसी एफ डबल डैश एक्स में पहले एक्स की वैल्यू 9 फिल करी,
फिर एक्स की वैल्यू 3 फिल करी। तो मेरे पास फिल करने के बाद आपके यहाँ पे आया इसके अंदर 72 और इसमें आया -72, यानी ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है। जो चीज लेस देन जीरो होती है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होती है, यानी हमारा हमारे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी कि हमारी कौन सी वैल्यू लें कि हमारे पास वॉल्यूम मैक्सिमम आए। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 3, क्योंकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम आया था ना मेरे पास, देखो जरा ध्यान से। सो ये वाली वैल्यू लेंगे, याद रखना आपको मैक्सिमम पूछा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम कब होता है जब वो लेस देन जीरो। सो बस इन शॉर्ट हम रीकैप दे रहे हैं, एफ डैश एक्स निकाला ये था, फिर एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ एक्स निकाला वॉल्यूम से, फिर एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल ले, फिर एफ डबल डैश एक्स निकाला, फिर उसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स फिल करे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम के बारे में पूछा था। अगर हमारे को मिनिमम के बारे में पूछा होता तो हमारा ये आंसर हो जाता। सो क्वेश्चन खत्म है, x इज इक्वल टू 3 आंसर है।